हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे छोटे बच्चों के लिए ब्लाउज। चढ़िया चोली का ब्लाउज भी बना सकते हैं, हम स्कर्ट का भी ब्लाउज बना सकते हैं। इस मेथड से हम कोई भी ब्लाउज बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई ले लेंगे, ये बचा हुआ हमारा फैब्रिक है। इसमें से बच्चे की लंबाई ले लेंगे, हमें जितनी लंबाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम लंबाई ले लेंगे। और दो का गला लिया है हमने, ढाई इंच का शोल्डर लिया है, और यहाँ से हम 5 इंच लेंगे शोल्डर के लिए। ये 5 इंच का हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे हम चेस्ट माप लेंगे, तो 20 का है, तो 20 का 5/4 भाग और 2 मार्किंग दे देंगे इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसी तरह से हम कमर का नाप लेंगे, तो कमर का भी 5 ही है, तो 7 लिया हमने। और इसमें हाफ प्लस डार्ट्स के लिए ले दिए, और इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर दिए। हर मूल का शेप यहाँ से दे देंगे। गले के लिए हम यहाँ से इस तरह से मार्क कर देंगे। इसको कटिंग कर देंगे। अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। इस तरह से हम सेट कर लेंगे कपड़े पे। बैक पार्ट हम पीछे उकाई रखेंगे इसमें, तो बैक पार्ट का मैंने ओपन साइड रखी और फ्रंट का मैंने पैक रखा था आगे से। और यहाँ से 2 इंच का हम गला ले लेंगे, तो ये हम 2.25 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से गले के लिए। तो इसमें पैटर्न्स बनाएंगे पीछे, तो एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इसको हम कट करके निकाल देंगे। गाइस, अगर कपड़ा कम हो अपने पास तो अपन पेपर पर कटिंग करके फिर पेपर को एक कपड़े यानी पेपर को कपड़े पर रख के कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से 2 इंच का जो कपड़ा है एक्स्ट्रा का, इसे निकाल देंगे पेपर पर, फिर हम कपड़े पर सेट करेंगे तो हमारे कम कपड़े में बन जाएगा ये। इस तरह का पीछे का ये बनेगा गला हमारा। अभी हमने ऊपर का भी फैब्रिक अस्तर वाला ब्लाउज है, ऊपर का भी फैब्रिक कटिंग कर लिया है अस्तर को रखते हुए। तो हमारी कटिंग रेडी है ब्लाउज की। अब इसमें से हम 1.5 इंच की पट्टियां कटिंग कर लेंगे, इसकी दूरी बनाएंगे गाइस। तो बचे हुए फैब्रिक में से हम दूरी के लिए कटिंग कर लेंगे सीधी सीधी पट्टियां। तो सबसे पहले हम दूरी बना लेते हैं इस तरह से। ये ब्रॉकेट का कपड़ा है, तो थोड़ी मोटी पट्टी बनाएंगे, ज़्यादा पतली बनाएंगे तो हमें सीधी करने में प्रॉब्लम रहेगी। तो इस तरह से हमने थोड़ी मोटी पट्टी रखी है। तो हमने जॉइंट इसलिए नहीं किए क्योंकि छोटी छोटी पट्टियाँ कट करके इसकी दूरी बनाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा का ज़्यादा एक्स्ट्रा की सिलाई है ना कपड़ा है, उसको कटिंग करके निकाल देंगे क्योंकि सीधी करने में प्रॉब्लम रहेगी। तो इस तरह से हम सीधी कर लेंगे एक छेड़े में, सुई को डबल फोल्ड टाका लगा लेंगे, फिर उसमें इस तरह से हम सीधा कर देंगे। दो दो इंच की हम पट्टियां कट कर लेंगे यहां से। सब पट्टियों को हमने सीधा कर लिया है, दो दो इंच की पट्टियां कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। अब यहाँ से मार्क कर लेंगे इक्वल, 1.5 इंच का स्पेस रखते हुए हमने निशान लगा लिए हैं। तो सबसे पहले हम गाइस पट्टी को लगाएंगे डबल फोल्ड करते हुए। दूरी हम लगा रहे हैं, पैटर्न्स बना रहे हैं ब्लाउज की। तो जहाँ निशान लगाए वहाँ वहाँ पे हम पट्टियों को फोल्ड करके इस तरह से लगाएंगे। बहुत ही सुंदर पैटर्न रेडी होगी गाइस। अब हम ऊपर से अस्तर सेट करेंगे, तो हमारी दूरियों की जो किनारी है वो भी पैक हो जाएगा। अलग से हमें पट्टी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम पट्टी लगा लेंगे, उसके ऊपर से अस्तर लगा के सिलाई लगाएंगे, फिर इसको खोलते हुए इसमें धारी सिलाई लगाएंगे अस्तर के पार्ट में इस तरह से। फिर इसको डब फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे किनारे पर।
अब इसको अस्तर को पैक कर देंगे चारों तरफ से। यहाँ पे डार्ट्स लगा देंगे बैक पार्ट में। इसी तरह से दूसरी साइड का भी रेडी कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, अब इसका गला कट करेंगे। बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ से 4 से 4.5 तक का हम गला बना सकते हैं। पहले चौरस बॉक्स बना लेंगे, आगे से हम थोड़ा पान आकर का शेप देंगे इस तरह से। इस तरह से कट कर देंगे। इसमें गाइस हम सिप पट्टी नहीं लगाएंगे, इसको ही पलट देंगे हम। इस पर किनारे पे सिलाई लगा के गले पे यही शेप में सिलाई लेंगे। पूरे में कट लगा देंगे, हम इसको पलट देंगे इस तरह से। अस्तर के पार्ट में हम धारी सिलाई लगाएंगे इस। अब हम ऊपर से जो हमारा ऊपर वाला फैब्रिक है उस पर किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। हम इसे ले ऊपर से लेस से डेकोरेट भी कर सकते हैं। अस्तर को चारों तरफ से पैक कर देंगे। एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है उसे कटिंग करके निकाल देंगे। आगे एक पार्ट में डार्ट्स लगा दिए, इस तरह से डार्ट्स लगा देंगे। शोल्डर जॉइंट कर देंगे। पहले सिलाई में सीधे में लगाइए, एकदम किनारे पे सिलाई लगाइए सीधे में। फिर हम पलट के अब हम उल्टा करके सिलाई लगाएंगे तो शोल्डर हमारा पैक हो जाएगा। छोटे बच्चों को पहनने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, नहीं चुभता है तो बच्चे पहनते नहीं, ब्रॉकेट है तो शोल्डर इस तरह से पैक करने का। इसी तरह से हम दूसरी साइड का भी जॉइंट कर देंगे। ऊपर से हम धारी सिलाई लगा के पैक कर देंगे इस तरह से। क्रॉस पट्टी से इस आर्म होल की पट्टी रेडी करेंगे इस तरह से। तो यहाँ से हम क्रॉस पट्टी कटिंग कर लेंगे अस्तर वाले फैब्रिक की। पट्टियाँ जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से लगाएंगे। क्रॉस पट्टी का ऐसे 1 इंच से 1.5 इंच तक की हम कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से पट्टी को स्लाइस खींचते हुए यहाँ पे पट्टी लगाएंगे इस तरह से। ज़्यादा नहीं खींचनी है नहीं तो सिल रिंगल्स आएंगे इसमें। और फिर इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको टचिंग करके निकाल देना है, इससे फिनिशिंग आती है। फिर इस पर धारी सिलाई लगा देनी है ऊपर से।
इसको अंदर फोल्ड करके रेडी हो गई। स्लीव्स दोनों साइड की रेडी हो गई। अब इसमें कवर सिलाई लगा दिए। डॉट्स लगा दिए। यहाँ से सीधे में सिलाई लगा देनी है। पहली सिलाई सीधे में लगानी है। एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है उसको टचिंग करके फिनिशिंग दे देनी है इसमें। फिर हमें एक सीधी पट्टी कट करनी है 1 से 1.5 इंच की, उसमें इस तरह से सिलाई लगानी है। इसे फोल्ड करते हुए अस्तर की पट्टी पे भी सिलाई लगाएंगे, फिर इसको अंदर फोल्ड कर देंगे। दोनों साइड से फिटिंग लगा देंगे। जो हमारा बीच में स्पेस रहेगा उसमें हम डोरी डालेंगे। दोनों साइड से फिटिंग कर देंगे। चेस्ट का माप लेके और कमर का नाप लेके इस तरह से फिटिंग कर देंगे। 20 है चेस्ट माप, वही हमारा 14 आ रहा है। तो 2-2 इंच दोनों साइड से हम फिटिंग में ले लेंगे। इसी तरह से कमर का नाप लेंगे। एक इसमें दोरी बनाएंगे। तो दोरी हमने पहले से गाइस रेडी करके रखी है। तो दोरी हम इस तरीके से सेट करेंगे। दोरी डालने में ध्यान देना गाइस, प्लस बच्चे को जब पहनाएंगे तो इसको हम थोड़ा लूज करेंगे और पहनाने के बाद इसे फिटिंग में दे देंगे तो मस्त फिटिंग बैठेगी इसकी। इस तरह से दोरी का इस अस्तर के कपड़े की बनाई है क्योंकि बच्चों को चुभे नहीं। ब्रोकेट कपड़ा है ऊपर का तो बच्चों को पहनने में प्रॉब्लम रहेगी। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस तरह का लुक रेडी होगा। यहाँ पे हम नीचे पैक कर देंगे इस तरह के दूरी के छेड़ों को, यहाँ से इस तरह से। और ये दूरी ब्लाउज में सेट करने के बाद ही लगेंगे क्योंकि फिर उसमें डालने में प्रॉब्लम रहेगी। इस तरह से बनाने के बाद ही इस तरह से रेडी करेंगे। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए
तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्लाउज रेडी है, इस मेथड से हम छोटा बड़ा जैसा बनाना हो हम बना सकते हैं। ये 3 से 5 साल के बच्चे का नाप है। तो ब्लाउज रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।